द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन में कैट दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष विपिन आहूजा को पुनः दिल्ली का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए कैट प्रतिनिधियों ने विपिन आहूजा का स्वागत व सम्मान किया। दो दिवसीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन के मंच पर कैट दिल्ली स्टेट की चुनी गई नई कार्यकारिणी को कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं अपने इष्ट देवता की शपथ लेता हूँ कि मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नई दिल्ली की इकाई टीम कैट नई दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नई दिल्ली के व्यापार और व्यापारियों की सेवा और उन्नति के लिए कार्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि टीम कैट नई दिल्ली के कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यापारी की उनसे संबंधित जो भी जानकारियां मिलेगी वह मैं किसी भी अन्य संबंधित व्यक्ति से साझा नहीं करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से टीम कैट दिल्ली के माध्यम से व्यापार और व्यापारी के लिए संपूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा। जय व्यापार। शीर्ष व्यापारिक संगठन कैट के पुनः दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष चुने जाने पर विपिन आहूजा ने मन से कहा कि उनका एक ही सपना है कि किस तरह कैट को आसमान की बुलंदियों तक ले जाया जाए। भरतिया साहब, सपना एक ही कि कन्फेडरेशन कैसे हमारे आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ने के लिए तत्परता, लगन, पूरी ऑनेस्टी और पूरी सिंसेरिटी और पूरी हार्ड वर्किंग की जरूरत है। और हमें आज 50 लेते हैं तो 50 में वे 5 वो मिलते हैं जो हमें जिनकी कार्य करने की कुशलता का हमारे को पता लगता है और वो उस स्पीड से काम करता है। सबसे पहले क्या नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से सीखना है। अगर हम यहां पर बेहतर काम कर रहे हैं, हम अगर आपके हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि आपके रहने का या खाने का, तो उसके अंदर आपको क्या देखना है कि इसमें क्या हम अच्छा ढूंढ सकते हैं। हम अगर आपके यहाँ आते हैं और हमें पता लगता है कि यार ये चीज हमने बड़ी काबिले तारीफ है, हमने सीखनी है, तो हम वो वाली बात सीखें। कुल मिला के अगर ये शीर्ष नेतृत्व ने अगर वहां पर कामयाबी पानी है तो कामयाबी दिलाने के अंदर हमारी टीमों को काम करना पड़ेगा। फिर देखो कि काम कैसे नहीं होता। हम लोग ये कहते हैं कि हम इमीडिएटली कैट को बोले और कैट 2 मिनट के अंदर हमारे उस समाधान को कर दे। अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी ये कहा जाता है, परवीन जी बहुत जल्दी कहा जाता है कि चलिए उसके लिए आंदोलन करते हैं, हम ये करते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत समझदारी से सोचना शुरू कर दिया है कि हमें वही प्रैक्टिकल काम करना जो संभव है। कोई इमोशनल होके बोल देता ऐसे कर दीजिए, वो व्यवहारिक तौर पे जब सफल नहीं होता तो हमें पता है कि उसकी कितनी तकलीफ होती है। हमने कह दिया
कि हमारा ये काम कर दो, तो क्या हमने अपने अंदर भीतर झांक के देखा कि हमने उनको बोला कि ये काम कर दो, हमारा उसके अंदर हमारा अपना कितना योगदान है? क्या उसके अंदर हमने उस तरीके से कई तन मन धन दिया है? अगर ये तन मन धन नहीं दिया तो आप किस चीज के लिए हकदार हो कि बोलो कि हमारा काम इमीडिएटली करा दो? हक बनाओ, आगे मजबूती दो, आगे प्लेटफॉर्म खड़ा करो, आगे उसको उस तरीके से ले जाओ, फिर देखो कि वो वाले जो हम बात करते हैं कि 8 करोड़ व्यापारी और 40,000 एसोसिएशन, फिर देखो कि आपके सामने कुछ भी जोड़ के कितने लोग किस तरीके से हमारी मंजिल को हम पा लेंगे।